अरे उत्तर प्रदेश के जनपद बाराबंकी से खूब गर्जे आल इंडिया इत्तेहादुल मुसलमीन के सदर असदुद्दीन ओवैसी बाराबंकी शहर के मोहल्ला कटरा बारादरी के मैदान में आयोजित जनसभा को संबोधित करते हुए ओवैसी ने भारतीय जनता पार्टी के साथ ही समाजवादी पार्टी व बसपा और कांग्रेस पर भी जमकर निशाना साधा व उपस्थित समर्थकों से पार्टी प्रत्याशियों को आगामी विधानसभा चुनाव में जीतने की अपील की। हालांकि जिला प्रशासन ने कोविड नियमों का हवाला देते हुए जनसभा की अनुमति नहीं दी थी, सिर्फ चाय पार्टी में शामिल होने की अनुमति प्रशासन की ओर से मिली थी। उसके बावजूद भी हजारों की भीड़ जुटा कर कोविड नियमों की जमकर उड़ाई गई धज्जियां। देखिए बाराबंकी से हमारे संवाददाता की रिपोर्ट। तुम नहीं कर सकते, मैं एक नहीं परेशान हूँ। अब जा रहा हूँ, इंतजार में बैठे हैं, तीन दिन का हिसाब देना आया हूँ। मगर मीडिया से हमें मसाला मिल गया। अरे मगर बेटा तो यही बोलता है ना प्यारे, बेटा तो यही बोलता है कि 2019 के चुनाव में बीजेपी एनडीए को 50% हिंदू मिला। कितना मिला? डरो मत बोलो, डरो मत बोलो। और उत्तर प्रदेश के चुनाव में बीएसपी और सपा मिलकर लड़े। तुमने वोट दिया उनको, शर्मा ने हाथ उठाकर वोट दिया। कितने मुसलमानों ने वोट दिया सपा बीएसपी को मालूम आपको? 75% दिया। और उत्तर प्रदेश के बाद कितना वोट दिया मोदी को मालूम आपको? 51%, 50%। तब कौन जीता? बीजेपी कैसे जीती यहाँ पर? मैं तो नहीं था ना मेरे पास जिन्नात है कि तुमको जाकर बोले ऐसा कर दो। सोचो आप, ये हंसी का हंसाने के लिए नहीं कह रहा हूँ, आपको हकीकत बयान कर रहा हूँ। आप इलेक्शन असेंबली का विधानसभा का लड़ रहे तो तमाम सेकुलर अपने आप को सेकुलर बोलते, सेकुलर नहीं है ये, आरएसएस की असली टीम है तमाम के तमाम लोग। क्या कह रहे हैं? ओबीसी आएगा तो मुसलमान वोट नहीं देगा। कभी आपने सुना कि एक यादव ने मोदी को वोट दिया तो क्या यादव ने कहा कि वो यादव टीम है जिसने मोदी को वोट दिया? तुमने सुना कभी? क्या तुमने कभी सुना कि दलित ने अपना वोट डालना उसका घर का किया, उसने मोदी को वोट दिया तो क्या किसी बीएसपी के नेता ने कहा कि वो दलित भी टीम है? तो क्यों मुसलमान को कहते हैं? क्यों उनका नाम कहते आया है? अरे जब यादव और दलित ब्राह्मण सब पार्टी को दे सकता है तो तुमको हिंदू और